टू दिस माया शेड यूनिसेक्स सैलून हेयर कट सैलून क्योंकि उन्होंने हमारा पागल बना दिया. So guys, we finally went to our favorite salon, that is Javed Habib salon. सबसे पहले मेरी बारी आ गई और मैं थोड़ा डर रही थी. और यार जब मेरे बाल के जैसे खींच रहे थे ना, मतलब मेरा पूरा सर ही ऐसा लग रहा था कि बस निकल जाएगा. और यहाँ पे स्प्रे करें जब आपके आसपास सब लोगों तो ऐसा लगता है मतलब हंसी छूटते रहते हैं. यहाँ पे देखो मेरे बाल तो क्या सुलझा रहे थे ये भाई, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे. फिर उन्होंने कटिंग शुरू किया. मैंने तैयारी है लेयर प्लस यू कट, पीछे से यू और बाकी आगे लेयर कट है. सो आई वॉज डन विद माई हेयर कट. और बारी थी आलिया की और आलिया ने कराया स्टेप केयर जो कि उसका भी अच्छा लग रहा था. अभी यहाँ पे मेरे बाल सेट नहीं हुए, मैंने ब्लो ड्राई नहीं कराया क्योंकि हम लोग 3 दिन लोग थे. तो उन्होंने बोला पहले सबका हेयर कट करेंगे फिर ब्लो ड्राई करेंगे. और यार जब तक ब्लो ड्राई ना हो आपके बाल ऐसे लगते हैं कि जैसे अच्छी हुई मतलब हेयर कट आपने ले आई. और यहाँ पे आंटी पीछे देखो लिपस्टिक लगा रही है. फिर यहाँ पे आप के बाल भी आई और इन्होंने पहले आप को ब्लो ड्राई करा उसके बाद उनको हेयर कट मेरी लेंथ यहाँ तक की थी, इतनी लेंथ गई क्योंकि मैं अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा. मैं आपको पूरा दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर क्योंकि मैं घर से एक फोटो खींच के गई थी मेरे नॉर्मल हेयर का, तो शायद यहाँ तक की थी, इतनी लेंथ कम हो गई है. और बाकी ये थोड़े से लेयर्स हैं और पीछे से यू कटिंग है. सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. तो से हम बोल सकते हैं कि हमारी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं. ठीक है, तो अभी रोजे का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 6:30 हो गए. 10 मिनट्स लेफ्ट और 10 to 12 मिनट्स लेफ्ट. चलिए फटाफट से रोजे की तैयारी करते हैं. पैर वगैरह हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने. तो नमाज वगैरह पढ़ती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ. फिर मैं आपको अपने सिनेमैटिक शॉट्स दिखाती हूँ अपना हेयर कट. थोड़ा थक गए नमाज वगैरह पढ़ने के बाद. मैं देख रही हूँ टीवी और टीवी में आपको दिखाती हूँ क्या देख. फिर मान मरीज के बच्चे जैद का फर्स्ट ईयर बर्थडे, हम लोग वही वाला ब्लॉग देख रहे हैं. अभी तक आपको अपना सिनेमैटिक शॉट्स दिखा पाई तो बस थोड़ी देर और तो मैं आपको दिखाती हूँ प्यारे प्यारे सिनेमैटिक शॉट्स. उन्होंने शायद थोड़े से लेंस ज़्यादा कम कर दी यहाँ तक के थे शायद थोड़े ज़्यादा नहीं थोड़ा आधी. बट कोई बात नहीं, और देखिए कुछ कुछ बाल निकल रहे क्योंकि अब तो कटिंग हुई गई तो ऑब्वियसली निकलेंगे. और देखते हैं कि जो ब्लो ड्राई करता है वो सुबह तक टिकता है या नहीं टिकता. अगर मैं आपसे या तो शरीर मिलूंगी या सुबह मिलूंगी. सो लेट मी सी देयर. गुड मॉर्निंग हो चुकी है. मैंने अमेज़न से मंगाया है ये हमारा केबल प्रोटेक्टर. ये रहे, इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं, ब्लू रेड ब्लैक और दो ब्लैक थे. तो हमने एक पे तो लगा लिया, बाकी अब एक और पे लगाते हैं. लो जी लगा दो. कि ऐसे कि रात को मैं बल वाली छुट्टियाँ बांध के सो रही, तो क्या हुआ सुबह जब मैं उठी तो मेरे ना इतने समझ लीजिए इतने बाल दोनों साइड से निकल गए थे और कुछ छुट्टियाँ में रह गए थे. क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी फ्लिक्स कटिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 10-15 दिन में या 1 महीने में ये फिर छुट्टियाँ बांध लगेंगे. तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ऐसा रोज़ा और ईद आने वाली है बस एक दिन में, और कल शायद चांद रात हो जाए. तो जैसे कि हमारे कल हमने हेयर कट करवा ले, तो आज या कल मैं जाऊंगी, मैं और आलिया जाएंगे सिर्फ मेहंदी लगवाने हमारे कज़न के पास. उनका एक यूट्यूब चैनल से मिल जाऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी उनका यूट्यूब चैनल भी. तो फिर देखते हैं आज हम वहाँ पर जाते हैं कल जाते हैं. मैंने अभी अपने घर का मैट धोया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये यू नो दर्द पूरा ऊपर का जो पंखा है ये साफ़ किया है. और कल जब मैं हेयर कट करने गई तो मैंने उससे पहले अपना पूरा बाथरूम और पूरा वॉशरूम क्लीन किया था. क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब ईद होता है तुम्हारी अम्मियाँ कहती हैं कि हर चीज़ मतलब यू नो क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए. तो उसमें तो इसलिए मैं अभी इस स्टूल पर बैठी हूँ कि इस स्टूल पर चढ़ के इस पंखे को साफ करें. इसीलिए आगे आगे और क्या क्या होता है अभी नाने देखो मैं जुड़ो में भी मेरे बेचारे खुंदरे से निकले. तो मैं जो है नाने पर मैं मिलती हूँ आपको नाने के बाद. चुके नाने के और अभी हम जा रहे हैं मार्केट. मैं आपको भी बताती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं. तो चलिए बड़े ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं. पहले मैं दूध दे दूँ मम्मा को, देन मैं बिल्कुल मैं और पापा जा रहे हैं.
सो गाइस हमें फाइनली जा रहे हैं अपने अब्बू जी के साथ, और यहाँ पे क्या हुआ ना कि हमारा जो मेरी ऐप है उनका एक सूट भी नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं उनका एक और सूट लेने। हम आपको मतलब शॉर्ट्स दिखा रही पूरे मार्केट के, तो हमने उनका एक सूट ले लिया है और उसको मैं रिवील अभी नहीं करूँगी, इंशाल्लाह इतने करूँगी। जिसका कलर बहुत ही अच्छा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको मार्केट में दिखा रही हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना अभी भी, क्योंकि मतलब मेरे सभी लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ईद है और बाकी तो वैसे लोग आते हैं। फिर हम यहाँ पे आए मेडिसिन लेने के बाद हम लोग गए हैं यहाँ पे आज ना मैं सोचकर इफ्तार में कुछ लगाई गई थी हमारे श्रेया बेकरी, और यहाँ से हमने लिया कचौड़ी, राज कचौड़ी जिसे कहते हैं। तो घर आ गए और ये है श्रेया की राज कचौड़ी, सो लेट्स ईट इट टुगेदर, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई एम बैक, और मैं आपको ऊपर रख बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। और हम लोग लाए श्रेया की कचौड़ी और हम लोग इफ्तार में ये खाएंगे, क्योंकि रोज़ फ्रूट्स और ये सब खा के पकौड़े पकड़े मन भर गया। हम गए थे यहाँ पे, एक सूट रह गया था वो लेने, जो बासी के लिए वो लाइए, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखा दूँ आप? ये नहीं, ईद पे दिखाऊँ? अभी दिखाऊँ या ईद पे दिखाऊँ? चले तो इन्होंने बोला ईद पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ईद पे दिखाती हूँ। और इसका कलर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा है, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा। तो इसका कलर का आप इसको कौन सा कलर बोलेंगे? पेस्टल बोलते हैं तो पेस्टल कलर का है। एंड इट्स रियली वेरी अमेजिंग, मतलब कि वहाँ माशाल्लाह हमने सूट लिए ना, उन सबके कलर ही बहुत बहुत अलग हैं। जैसे मेरा अभी नहीं बताऊँगी ये तो बताऊँगी इफ्तार के लिए। मैंने आपको बताया श्रेया से कचौड़ी। श्रेया हमारी सबसे ज़्यादा यू नो फेवरेट दुकान, वहाँ पे सैंडविच हो, बर्गर हो, केक हो, कचौड़ी हो, छोले भटूरे, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हमारी फेवरेट शॉप वही है। तो अभी हम लोग इफ्तार में आज वो खाएंगे, चलिए आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तो रात को जो आपने देखा था बस वही जो हमारे इफ्तार के लिए था, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और मैं बता दें कि मैंने शूट क्यों नहीं करा, मैं जस्ट पेशावर लेके आई हूँ आपको बता दूँ। और मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो गई, पता नहीं कि एकदम से बॉडी बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी और मुझे नज़ला हो गया था, और पूरे गले में कांटे चुभ रहे हैं। नज़ला तो अभी भी है और अभी भी ये पूरे गले में कांटे चुभ रहे हैं। शायद आपको मेरी वॉइस थोड़ी बहुत चेंज लग रही होगी, ईद आने वाली है और मेरे साथ ये सब कांड हो रहे हैं। कल रात को मैं रोई भी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल भी बॉडी में जान नहीं लगती थी, बहुत बहुत एकदम बहुत ज़्यादा गिर गई थी, बुखार वगैरह सब हो गया था। रात को रोने लगी थी कि अल्लाह पाक की दरवाज़ी है, अब ऐसा क्यों हो गया। फीलिंग रियली वेरी वेल। और गाइस आज सऊदीया में चांद रात है और हमारी कल होगी चांद रात। तो मेरी अम्मी जो है ना सऊदी के साथ चलती है, शी इज़ सऊदियन, शी इज़ अरेबियन। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो अपनी क्या बोलते हैं ऐसे चादर, उन्होंने ईद की वाली चादर अभी ही बिछा दी। उन्होंने बोला कि आज चांद रात होगी, मैं तो भाई सऊदी के साथ चलूँगी क्योंकि आया हुआ अरेबियन, तो मैं बिछा दी, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही है। बोला कि अम्मी कल बिछा, लेकिन शी सेड नहीं नहीं अब वहाँ पे हो गई है, तो भाई मैं तो अरेबियन के साथ चलूँगी, मैं आज बिछा रही हूँ। उन्होंने बिछा दिया और जो भी हमारे सारे पिलो हैं उसके ऊपर पिलो कवर चढ़ा दिए। लेट मी शो यू, चादर वाला मैट मैंने कल धोया था, देख सकते हैं आप लोग। और इट समथिंग लुक्स लाइक इट, मैंने वो थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन वहाँ पे दिखाया, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहन है, ये देख सकते हैं ये पिलो कवर्स है। और देखो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आई लव इट। व्लॉग शायद कल आया तो इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सही चांद रात मुबारक। और हाँ, ईद भी मुबारक, मैं आपको कुछ चला गया उससे नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है और अभी वो अलग काटे चुप रहे हैं और नाक तो ऐसे हो गई है बंद है दोनों, इसके नॉस्ट्रल्स बिल्कुल बंद है। चलिए फटाफट से नमाज़ पढ़ते, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं पाक जल्द से जल्द हमारी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि परसों है ईद। हम डन विद माय नमाज और इस ब्लॉग में फिर करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड टू माय ड्रोन फॉर एंड आई लव यू मोर, और मैं ब्लॉग में इसलिए आगे कंटिन्यू कर रही क्योंकि ना मेरी जो आँखें बिल्कुल लगे थे वो पत्थर है, क्योंकि कल जो मैंने मेडिसिन खाई थी रात में वो तो सिट्रोसिन और उसे बहुत ज़्यादा नींद आता है, सो इसलिए बाकी सब्सक्राइब बिकॉज अब बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आने वाले, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एंड अगर plus ing love를 붙잡으면 사랑인 것 같아.